नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.2 की, जिसमें हम बात करेंगे अरिथमेटिक मीन की। या मैं बात करूँ असंतत श्रेणी जो हम पढ़ रहे थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने कवर करवाए, आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक मीन के कुछ क्वेश्चन को लेंगे, 17.2 के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा 1 to 8। आज हम यहाँ पे 1 to 4 को कवर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। देखो बहुत आसान होते हैं क्वेश्चंस, बस कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल दी हुई है, एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। आपको क्या करना है दोस्तों, एक्स में आपको क्या क्या वैल्यूज दी हुई है, 3, 5, 8 और 11, 2, 4, 5 और 3। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको पहले टेबल बना लेनी है। टेबल बनाते ही आपका काम आधा आसान हो जाता है, इजिली आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा एक्स है और यहाँ पे क्या है हमारा एफ है। तो x के अंदर और f के अंदर सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। x का पहले जो पहला टेबल में पहली जो कॉलम आएगा, पहला जो यहाँ पे रो आएगा, उसका क्या होगा हमारा, पहला जो यहाँ पे क्या आएगा, पहला कॉलम जो होगा उसमें लिखेंगे 3, 5, आगे देखिएगा 8, 11। ठीक है, तो 3, 5, 8, 11 आप लिख देंगे यहाँ पे, 3, 5, 8 और 11 लिख देंगे। अब देखिए आगे नेक्स्ट f के अंदर 2, आगे लिखा हुआ है 4, 5, 3, तो 2, 4, 5, 3 आपने लिख दिया। फिर क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में, समेशन ऑफ एफ करना है, मतलब एफ का क्या कर देना है, टोटल कर देना है। तो 4, 2, 6, 6 और 3, 9, 9 और 5 कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। तो यहाँ पे आपने समेशन एफ भी कर दिया। इसके बाद देखिएगा एफ आई एक्स आई करना है आपको, मतलब एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करना है। तो 2, 3 कितना हो गया 6, 4, 5 कितना हो गया 20, 5, 8 कितना हो गया यहाँ पे 40 और 11, 3 कितना हो गया 33। तो सबको आपको टोटल करना है। अगर आप थोड़ा ढंग से लिखें तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि 4, 5 कितना हो गया यहाँ पे 20, 8, 5 कितना हो गया 40, 11, 3 कितना हो गया यहाँ पे 33। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको अगर आप डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 20, 40 कितना हो गया 60 और यहाँ पे 33 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा 93 हो गया। 93 में 6 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, और यहाँ पे 6 और 3, 9 हो गया, 2 और 4, 6, 6 और 3, 9 हो गया। तो क्या आ गया आपका समेशन एफ आई एक्स आई का वैल्यू क्या आ गया, 99 आ गया। समेशन एफ आई एक्स आई का वैल्यू आ गया आपका 99 आ गया। ठीक है, दोनों वैल्यूज आपके पास है। अब आपको पता है एक्स बार का वैल्यू कैसे निकलता है, एक्स बार इक्वल टू होता है हमारा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं और डिवाइड किसके साथ करेंगे, समेशन एफ आई के साथ करेंगे। तो 99 को किससे डिवाइड कर दिया, 14 के साथ डिवाइड कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे 14, 7 कितना हो गया 98। अब यहाँ पे 1 बचा, क्या करेंगे, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बचा तो 1 के आगे आपने 0 लगाया तो भी 10 ही बना, तो अब 100 करना पड़ेगा। तो वापस से क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 7.07 आ जाएगी। तो ये आपका क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन आ गया, एक्स बार आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है दोस्तों। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऐसे टेबल्स को पहले बना लेते हैं और फिर यहाँ पे वैल्यूज को यहाँ पे हम लिख देते हैं। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखिएगा क्या है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, टेबल दिया हुआ है और टेबल में आपको बोला गया है कि एक्स और एफ का वैल्यू ये है। एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, 5, 7, 9, 11 और यहाँ पे दिया हुआ 1, 5, 4, 7, 3। आपको इस बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात करना है, अरिथमेटिक मीन ज्ञात करना है इस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही रहने वाला है, पहला क्वेश्चन कराया है उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, वही यहाँ पे एक्स का टेबल बनाएंगे, सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही रहने वाली है, पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तभी हमें आगे जो है बहुलक करने में, या मैं बात करूँ आपको माध्यक करने में, या मैं मीन मोड और मीडियन की बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। लेकिन पहले आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, अर्थमेटिक मीन आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप जो है चीज़ें अच्छे से कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, फिर 5 है, फिर 7 आ गया आपका, और फिर क्या आया आपका 9 और 11 आ गया। ये तो आपने x का वैल्यू लिख लिया दोस्तों। अब आगे देखिएगा f का वैल्यू क्या है, 1 है, 5 है और इसके साथ में क्या है 4, 7, 3 है, और इसका आपको क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई करना है आपको। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 7, 3, 10, 10 और 4, 14, 14 और 1, 15 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया। तो इस तरीके से समेशन एफ आई का वैल्यू आपने लिख लिया। 5 और 1, 6, 6 और 4, 10, 10 और 7, 17 और 3 कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखिएगा एफ आई एक्स आई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, क्या करने वाले हैं, 2, 1 जो 2, 5, 5 जो 25, आगे देखिए 7, 4 जो कितना हो गया यहाँ पे 28 हो गया, आगे देखिए यहाँ पे 9, 7 जो कितना हो गया 63 हो गया, 11, 3 जो कितना हो गया 33 हो गया। सारी वैल्यूज को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। अब समेशन एफ आई एक्स आई निकालना है, सबको एड ऑन कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे देखिए 3, 3, 6 और 8, 14 और यहाँ पे 7 कितना आ गया 21, तो 1 लिखा आपने, 2 चला गया ऊपर, 2 और 2, 4 और 2, 6, 6, 12 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, मतलब कितना है आपका 151 आ गया। एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए, 5, 2, 7, 8, 7, 15 और 6 कितना हो गया 21, 1 गया, 2 ऊपर चला गया, 6 और 6, 12, 12 और 3 कितना हो गया 15। एक्स बार का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स बार का वैल्यू देखिए समेशन एफ आई एक्स आई किसके साथ डिवाइड हो जाएगा, समेशन एफ आई के साथ। हमेशा ये फॉर्मूला आपको लिखना है और क्या करना है, उसको ब्रैकेट बना देना है जिससे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। चलिए एक्स बार का वैल्यू के लिए वैल्यूज को पुट करेंगे, क्या आया पहला 151 डिवाइड किसके साथ होगा 20 के साथ। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, ये 27 जा कितना होता है 140, तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 आ जाएगा, साथ में अपना अपना क्या आ जाएगा 7. क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा हमारा आंसर 7.55, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखिएगा आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको दिया हुआ है वही एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एफ का वैल्यू दिया हुआ है, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। निम्न बारंबारता पैटर्न का आपको माध्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं सेम अपना वही प्रोसीजर रहने वाला है जैसे अपन ने फर्स्ट और सेकंड के अंदर किया है, वैसे ही यहाँ पे हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिएगा एक्स का वैल्यू क्या होगा, एफ का वैल्यू क्या होगा और यहाँ पे एफ आई एक्स आई क्या होगा, मतलब इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आपको 0.1, पॉइंट्स में आपको थोड़ा कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, 0.2 यहाँ पे आया, 0.3, 0.4 और आगे एन सो ऑन चलता रहा, 0.5 और आगे आ गया 0.6 आ गया आपका। एफ का वैल्यू देखिएगा दोस्तों 30 है, 60 है और साथ में आ गया 20, 40, 10 और क्या आ गया अपना 50 आ गया। चलिए अब एफ आई एक्स आई करेंगे, 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया दोस्तों 3 आ गया, क्योंकि जब 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, एक के बाद पॉइंट लगेगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 62 जो होता है 120, ठीक है दोस्तों 120 में अगर एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ऐसे सॉल्व करते हैं, 23 जो होता है 60 के यहाँ पे एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो क्या रह जाएगा 6 रह जाएगा, 44 जो कितना होता है दोस्तों 44 जो होता है हमारा 44 जो हो गया हमारा 160 होगा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 10 5 से कितना होगा 50, तो 50 के बाद में एक क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 6 5 से कितना हो गया यहाँ पे 56 से कितना हो गया 300, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एफ आई एक्स आई आपने कर लिया, इसका टोटल कर लीजिए कितना आया 0, 3, 6, 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 और 5 हो गया हमारा 16 और 5 कितना हो गया 21, तो ये आ गया समेशन ऑफ एफ कितना आ गया, एफ आई कितना आ गया आपका 210 आ गया दोस्तों, 210 यहाँ पे आ गया आपका इसका टोटल, ठीक है। और यहाँ पे इसका टोटल जो होता है वो क्या होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई होता है, इसका भी टोटल कर लो 12 और 3 कितना होता है 15 और 6 21, 21 और 5 कितना हो गया 26, 26 और 16 कितना हो गया हमारा ये हो गया 42 और 42 के बाद 30 आया तो हमारा कितना आ जाएगा 72। एक बार फिर चेक कर लो 3 to 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 और 6 हो गया हमारा 17, 17 और 5 हो गया 22, तो 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप गया अपना 2, 2 और 1, 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 और 3 कितना आ गया 7, तो कितना आया 72 आ गया। वापस से कैलकुलेशन को भी चेक करना है, अब बता देता हूँ वापस से 31 जा क्या हुआ 30, तो एक के बाद पॉइंट तो 3 आ गया, 120 12 आ गया, 23 जा 66 आ गया, 14 4 जा 160 तो 16 आ गया, 10 5 जा 50 तो 5 आ गया, 56 जा 300 तो 30 आ गया, तो 72 आपका क्या आ गया दोस्तों टोटल आ गया। तो एक्स बार का वैल्यू क्या होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई किससे डिवाइड हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई के साथ डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं, अब देखिएगा 72 है हमारा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो हमने समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई को लिख दिया 72 और डिवाइड किसके साथ होगा 210 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे पॉइंट्स में आपकी वैल्यू आएगी, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 से कट जाएगा ऊपर वाला पार्ट, तो क्या आया 3 2 6, 1 आया 3 4 12, नीचे वाला 3 7 21 70 हो गया। अब इसको और कट कर सकते हो आप, यहाँ पे इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 12 और यह आ जाएगा हमारा 35, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, तो क्या बना आपका, यह आपका बन गया दोस्तों 12/35 बन गया। अब यहाँ पे 35 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0. अब इसके आप पॉइंट लग जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये 120 बन जाएगा, तो 3 35 3 जा कितना होता है दोस्तों 35 3 जा हो गया हमारा 35 3 जा हो गया 105, तो यहाँ आ जाएगा 0.3 और साथ में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे कितना बच गया 15,
तो 150 हुआ तो यहाँ पे 35 फोर जा हो जाएगा हमारा 140, तो 0.34 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यह आपका फाइनल आंसर होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा। देखो पॉइंट्स में आपको सॉल्व करते टाइम बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आप यहाँ पे होता है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको वही दिया हुआ है, वापस से पॉइंट्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे एफ दिया हुआ है, निम्न वारंवारता बटन का आपको माध्य ज्ञात करना है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे हम 1, 2, 3 में हमने किया, वही चीज यहाँ पे करने वाले हैं, बस आपको यहाँ पे कैलकुलेशन का जो है वो विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। सेम चीज यहाँ पे देखिए, x का वैल्यू, f का वैल्यू, एक्स आई एफ आई आपको लिखना है और साथ में क्या आ गया हमारा, एक्स आई एफ आई लिखो या एफ आई एक्स आई, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू है आपका 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ठीक है, 0.5 तक है। तो यहाँ पे आप देखें 0.1 के बाद 0.3 है, ये कंटिन्यूस नहीं है, 0.3 है, उसके बाद क्या है 0.5 है, उसके बाद क्या है 0.7 है, और बाद में आपका आ गया 0.89 भी है यहाँ पे। अब f का वैल्यू देखिएगा, 7 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया और साथ में यहाँ पे 15 और ये आ गया हमारा 10। मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसका, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0.7 आ गया दोस्तों। तो 7 × 7 0.7 बन गया, 8 × 3 = 24 2.4 बन गया, 10 × 5 = 50 5 बन गया और 15 × 7 का कितना होता है दोस्तों 105, तो 105 कितना बन गया हमारा 10.5 बन गया और 10 को 0.89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.9 आ जाएगा। जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने के बाद लगेगा यहाँ पे 2 के बाद, यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लें, जब भी आप 89 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 0.89 है, ठीक है, पॉइंट को एक बार भूल जाइए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 890 आ जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना आएगा 8.9 बन जाएगा आपको। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका देखिए समेशन एफ आई एक्स आई क्या आएगा और यहाँ पे क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई क्या आएगा वो चेक कर लो, 10 और 10 20, 20 और 8 कितना हो गया 28। अब यहाँ पे देखो 20 और 8 28 के बाद आ गया हमारा 35 और यहाँ पे क्या आ जाएगा सीधा सीधा 15 के साथ, तो कितना आ गया यहाँ पे 50 आ गया। बस ये ध्यान रखना आपको, कैलकुलेशन अच्छे से होनी चाहिए, 20, 30, 35 और यहाँ पे क्या हो गया 15, 50 हो गया, समेशन एफ आई क्या आ गया हमारा 50 आ गया। एफ आई एक्स आई का विशेष ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ को लिख लो पहले, जिससे कि कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी ना हो, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। 5 है तो वो 5.0 करके लिख लो इसको, 10 × 5 = 50 है। यहाँ पे आप देखिए 10.5 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 8.9 है तो 8.9 को इस तरीके से लिख लो। 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 और 5 16, 16 और 9 कितना हो गया हमारा यहाँ पे 25 हो गया, 2 चला गया ऊपर, तो यहाँ पे देखो 2 ऊपर आ गया, तो यहाँ पे देखिए 5 और 2 कितना आ गया आपका 7, 7 और 2 9, 9 और 8 कितना आ गया आपका 9 और 8 आपके यहाँ पे आ गया 17, तो 1 चला गया तो कितना आया 27.5 आपका क्या हो जाएगा इसका पूरा टोटल हो जाएगा। तो 27.5 आपने यहाँ पे लिख लिया, 27.5 आपका क्या आ गया समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ गया, 27.5 आपका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे x बार निकालेंगे, वही चीज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करना ही करना है अपने को, और डिवाइड कर दिया समेशन ऑफ एफ आई के साथ, तो ये आ गया हमारा 27.5 और डिवाइड किसके साथ कर दिया 50 के साथ डिवाइड कर दिया, पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 100 को आप अलग कर लो और 5 से इसको डिवाइड कर लो पहले, तो यहाँ पे आप देखो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 = 25 और 2 आया तो क्या आ गया 5 × 5 = 25 आया, तो आंसर क्या आ गया दोस्तों आपका 50/55/100 आया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.55 आया, 0.55 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और इजीली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो 0.55 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपको 2 या 3 नंबर में, क्योंकि आपसे वो पॉइंट की कैलकुलेशन करवाते हैं एग्जामिनर और आराम से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम बच्चों को यही होती है कि वहाँ के उनकी कैलकुलेशन एरर हो जाती है, तो कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे 5th क्वेश्चन की नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा। 5th, 6th, 7th, 8th कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा 17.2 भी कंप्लीट हो जाएगा। एक एक चैप्टर में यहाँ पे करवा रहा हूँ, राजस्थान बोर्ड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 2021 के अंदर, एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी और पूरा रिविजन आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी, अगर ये आपको क्लास पसंद आई तो यहाँ पे लाइक करके आपको जाना ही जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।